आष्टा के वार्ड 18 में बनी आंगनवाड़ी इन दोनों चर्चा का केंद्र बनी हुई है। दरअसल वार्ड 18 में बनी आंगनवाड़ी को बने 2 साल हो गए हैं, वहीं 2 साल बीतने के बाद भी आंगनवाड़ी की बाउंड्री वॉल नहीं बनी है। और सबसे दिलचस्प बात तो यही कि महिला बाल विकास के पोर्टल पर आंगनवाड़ी को पूर्ण दर्शा दिया गया है। और जब इस मामले में महिला बाल विकास की जिला कार्यक्रम अधिकारी रचना बुलोदिया से बात की तो देखकर बताने को कहकर टाल दिया गया। वही आष्टा महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी संदीप रुहेल का कहना है कि मेरे संज्ञान में मामला आया है, नगर पालिका को बाउंड्री वॉल बनाने का निर्देश दे दिया है, जल्द ही बाउंड्री वॉल का निर्माण हो जाएगा। वार्ड नंबर 16 में जो आंगनबाड़ी बनी टावर के पास, उस आंगनबाड़ी के लिए 7,80,000 रुपए स्वीकृत हुए हैं और उसे पोर्टल पूर्ण बताया गया, लेकिन उसका बाउंड्री वॉल अभी तक नहीं बना, क्या कारण है सर? वार्ड नंबर 18 में जो निर्माण कंप्लीट हो गया है, बाउंड्री वॉल का कुछ काम शेष था, तो अभी मेरे संज्ञान में आया तो मैंने मुख्य नगर पालिका अधिकारी साहब से चर्चा की है, उनसे मिला भी था, तो वो जल्द ही वो उसका निर्माण कार्य के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है और अभी उसका कर देंगे। सर कब तक उसका निर्माण कार्य होगा बाउंड्री वॉल का? अभी साहब से बात हुई तो वो कह रहे थे जल्दी ही 2-4 दिन में या 1 सप्ताह में ठेकेदार से मिलकर उसका काम शुरू करवा सर। कुछ आंगनबाड़ी में हमने देखा भी है, आप लोगों ने निरीक्षण भी किया था, आपकी महिला वालों का जिला अधिकारी आई थी, निरीक्षण भी किया था, ये आंगनबाड़ियों में जो गुणवत्ताहीन कार्य रहे ठेकेदारों के, इन्होंने दीवारों में दरारें पड़ रही हैं, इस मामले में को लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, एकाध में मैंने देखा है कुछ क्रैकिंग आ गई है, जो जमीन नीचे धस जाने के कारण, जैसे बाथरूम वगैरह टॉयलेट बनाए हैं तो उसमें क्रैकिंग आई है, तो उसके बारे में मैंने साहब से बात की है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी जी से आस्था, तो वो कह रहे थे कि इसका भी मरम्मत का जहाँ भी आपको आए तो उसका भेज दीजिए तो उसको मरम्मत करवा दी जाएगी। सर एक अंतिम सवाल, आपकी जो आंगनबाड़ी का जो पोर्टल है उसमें आंगनबाड़ी को पूर्ण बना बताया जा रहा वार्ड नंबर 18 के लिए, उसमें बाउंड्री वॉल नहीं बनी, तो इसमें क्या कमी रह गई जो पोर्टल पूर्ण बता दिया गया है और उस पर बाउंड्री वॉल निर्माण नहीं हुआ? नहीं, पूर्ण मुख्य जो निर्माण था वो पूर्ण हो चुका है, उसमें आंगनवाड़ी लग रही है, पिछले 2-3 साल से उसमें आंगनवाड़ी का काम लग रही है, बच्चे आ रहे हैं वहाँ पे, लेकिन कुछ विवाद या किस कारण से, तो मैं पुराना नहीं जानता, मैं अभी नया आया हूँ, तो उस कारण से बाउंड्री वॉल शेष थी, क्योंकि नाला उसके बिल्कुल पास से जा रहा था और पीछे DP भी है, ट्रांसफार्मर रखा है, तो शायद उस कारण से उसका निर्माण बाउंड्री वॉल का नहीं हो पाया था, तो अभी शीघ्र ही उसका काम हो जाएगा। वही जब नगर पालिका आष्टा के इंजीनियर देवेंद्र चौहान से यह बात पूछी गई तो चौहान का ये कहना है कि हमें बाउंड्री वॉल निर्माण का ऐसा कोई पत्र या निर्देश नहीं मिला है, जिससे यह साफ जाहिर होता है कि इस पूरे मामले में अधिकारियों की टाल मोटी गोलमाल जारी है। वार्ड नंबर 18 में टावर के पास एक आंगनबाड़ी बनी हुई है जिसके लिए 7,80,000 स्वीकृत हुए थे, उसे महिला बाल विकास अधिकारी के पोर्टल में पूर्ण बता दिया गया, लेकिन उसका बाउंड्री वॉल अभी तक नहीं बना, क्या कारण है सर उसका? बाउंड्री वॉल का वहाँ पर स्थान नहीं होने के कारण नहीं बनाई जा सकी, और जितना कार्य हुआ उतना कार्य का ही हमने पूर्णतः प्रमाण पत्र भेजा है। सर उसमें पीछे पर्याप्त जगह तो है बाउंड्री वॉल के लिए, उसमें परियोजना अधिकारी ने तो उसमें देखा, उसमें निर्देश भी दिए, यदि दिया है तो दिखवा लिया जाएगा, उसके आगे कार्रवाई करेंगे। सर उसकी राशि कितनी अभी तक नगर पालिका के पास जमा है? वो तो मैं देख के बता पाऊंगा अभी कितना पेमेंट हुआ। सर उसमें आंगनबाड़ियों में जितनी भी आष्टा में आंगनबाड़ी उसको चावल को हमने देखा है जी, उसमें दरारें भी पड़ी हुई जी, जी 2 साल में ही इतनी गुणवत्ता है, उसमें दरारें पड़ रही हैं? दरारें पड़ रही हैं तो उसकी सब इंजीनियर से भेज करके जांच कराई जाएगी, जांच कराने के बाद ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, तो सुधार कार्य कराया जाएगा। परियोजना अधिकारी जी का अभी का कहना है उनका जी, कि हमने बाउंड्री वॉल के लिए नगर पालिका को निर्देश दिए हैं और जल्द बाउंड्री वॉल का निर्माण किया जाएगा वार्ड नंबर 18 की, इसमें आपको ऐसे कोई निर्देश प्राप्त हुआ क्या? हाँ, अभी ऐसा कोई हमारे पास लिखित वहाँ से कोई लेटर नहीं आया है, जैसे ही आएगा उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। वहीं आपको बता दें कि आंगनवाड़ी के लिए 7,80,000 रुपए स्वीकृत हुए थे, ज्ञात रहे कि आंगनवाड़ी निर्माण के लिए शासन से 7,80,000 रुपए की राशि दी जा रही, जिसमें आंगनवाड़ी के मापदंड अनुसार बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया जाता है, लेकिन वार्ड 18 में और बाउंड्री वॉल के लिए आंगनवाड़ी के पीछे पर्याप्त जगह भी है, लेकिन स्थानीय पार्षद की मनमानी और अधिकारियों की संदेशात्मक कार्य प्रणाली से 2 साल बाद भी बाउंड्री वॉल का निर्माण नहीं हो पाया।
वहीं आपको बता दें कि बाउंड्री वॉल के लिए कई बार पत्र भी लिखे गए। आंगनवाड़ी की बाउंड्री वॉल के निर्माण के लिए नगर पालिका और महिला बाल विकास के कई बार पत्र भी लिखकर बाउंड्री वॉल के निर्माण की मांग की गई, लेकिन जिम्मेदारी अधिकारियों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। वहीं आंगनवाड़ी में बाउंड्री वॉल के लिए नहीं होने के कारण पास से निकले नाले से बदबू आती है, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। वहीं असामाजिक तत्वों ने इसे डेरा बना रखा है। वहीं आपको बता दें कि पहला मामला वार्ड 18 टावर के पास बनी आंगनवाड़ी का है, जहां इस आंगनवाड़ी को भी बने हुए महज 2 साल हुए, लेकिन इस आंगनवाड़ी भी दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें साफ बयां कर रही है कि मात्र 2 साल में और नवीन भवन में बड़ी दरारें पड़ गई है, जिससे अधिकारियों और ठेकेदारों की कार्य प्रणाली संदेह के घेरे में है। वहीं दूसरा मामला वार्ड 2 का बताया जा रहा है, जहां पर लिपुल स्थित मीरपुर सड़क पर वार्ड 2 में भी आंगनवाड़ी के वही हाल है। क्या आंगनवाड़ी को बने हुए लगभग 2 साल का समय हुआ है, लेकिन इसमें बड़ी बड़ी दरारें देखी जा सकती है। वहीं इस आंगनवाड़ी में बनी बाउंड्री वॉल भी घटिया निर्माण का शिकार हो चुकी है, इसमें भी बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई है, जो कहीं ना कहीं निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़े करता है। यह भी नगर पालिका के अधिकारियों और ठेकेदारों का खेल ही है, जो 2 साल में आंगनवाड़ियों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई। वहीं आपको बता दें कि 2 साल में बड़ी बड़ी दरारें ठेकेदारों और अधिकारियों की मेहरबानी है, लिहाजा शासन की राशि भी एक तरह से जनता की राशि होती है और शासन से मिलने वाली योजनाओं का लाभ भी जनता को ही मिलता है, लेकिन जन प्रतिनिधियों और अधिकारियों की मिली भगत से संस्थाओं को भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया जाता है। दरअसल वार्ड 18 और 2 में बनी आंगनवाड़ी पर अधिकारियों और ठेकेदार की कार्य प्रणाली पर कई सवाल खड़े कर रही है। कहीं न कहीं 2016 में बनी आंगनवाड़ियों में बड़ी बड़ी दरारें नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारियों, इंजीनियरों और ठेकेदारों के कार्यों की पोल खोलती हुई साफ दिखाई दे रही है। मिली जानकारी के अनुसार इन आंगनवाड़ियों के लिए शासन दोबारा 7,80,000 रुपए की बड़ी राशि भी स्वीकृत हुई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि 2 साल में ही भवन में इतनी बड़ी दरारें क्यों पड़ गई, फिर भी क्यों ठेकेदारों को भुगतान किया गया। वहीं ऐसे गुणवत्ताहीन और घटिया निर्माण कार्य करने वाले ठेकेदार पर अभी क्यों कोई कार्रवाई नहीं हुई, वही जिम्मेदार अधिकारियों की कार्य प्रणाली भी सवालों के घेरे में है। वहीं आपको बता दें कि आंगनवाड़ी निर्माण के लिए शासन से 7,80,000 रुपए की राशि दी जा रही है, जिसमें आंगनवाड़ी के लिए बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया जाता है। अब देखना यह कि पूरे मामले पर प्रशासन क्या कार्यवाही करता है। न्यूज़ इंडिया N9 से क्राइम रिपोर्टर राज बोराना की रिपोर्ट।